परसों हो जा रही क्या? वहाँ पे 8.1 करवा दी क्या पूरी वहाँ पे? तो मंडे को टेस्ट है क्या वहाँ पे दोबारा? सॉल्यूशन नंबर 6 का लिख तो लिया कि तूने क्वेश्चन? तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात है, ध्यान से सुनना उसको कि जो पढ़ाई को छोड़कर तेरे पीछे आएगा, जो पढ़ाई को छोड़कर तेरे पीछे आएगा, तो एक बात बता मेरे भाई, जो खुद का ना हो सका वो तेरे कैसा हो जाएगा? सही बात है कि नहीं है? समीर लेट है, अब 8.2 में जो MCQs है वो करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6 वाला, स्मॉलर एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल। अब सर्कल दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। एंड लाइन और लाइन दे रखी है हमें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये दे रखा है हमें, तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे। वी कैन रिटर्न एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एज एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। हियर सेंटर तो क्या हो जाएगा इसका, 0,0, एंड रेडियस 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने हमें, नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई माइनस 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई, ये इक्वेशन नंबर 1, एंड एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो क्या हो जाएगा देखो, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इट इम्प्लाइज 2 का स्क्वायर 4 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना गया वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस में 4y इज इक्वल टू 0, तो 2 कॉमन ले लेंगे इससे हम, तो वाई स्क्वायर माइनस में देखो 2y कॉमन आ जाएगा इससे, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू कितना गया, y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, तो देखो इफ y इज इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन 1 देन x इज इक्वल टू देखो क्या है 2 माइनस वाई, तो 2 माइनस 0 तो x इज इक्वल टू कितना गया 2 आ गया, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया हमें
टू कोमा ज़ीरो, ठीक है। इफ़ y इज इक्वल टू टू देन x इज इक्वल टू कितना, देखो टू माइनस टू x इज इक्वल टू कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। सो ज़ीरो कोमा टू आ जाएगा ये, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ये मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं रफ स्केच बना देता हूँ इसको, ये सर्कल होगा, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, ये ज़ीरो कोमा ज़ीरो, ये टू कोमा ज़ीरो, ये ज़ीरो कोमा टू, ये ज़ीरो माइनस टू कोमा ज़ीरो, और ये ज़ीरो कोमा माइनस टू। अब देखो लाइन क्या है, लाइन और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या, देखो टू कोमा ज़ीरो, तो एक तो ये है टू कोमा ज़ीरो, ठीक है, और दूसरा क्या है ज़ीरो कोमा टू, एक ये है। तो बताओ ये लाइन होगी नहीं होगी, बताओ ये वाली लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू होगी नहीं होगी, बताओ ये वाली लाइन। अब देखो हमें स्मॉलर एरिया चाहिए, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला। अब सबसे पहले बताओ हम इसको किससे सोल्व कर देंगे, वर्टिकल स्ट्रिप या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, बताओ। वर्टिकल स्ट्रिप से आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। तो वर्टिकल स्ट्रिप लिख देना आप यहाँ पे, ठीक है। अब वर्टिकल स्ट्रिप से पता है हमें कि ये जो सर्कल है इसके नीचे का एरिया आएगा पूरा, फिर उसमें से माइनस कर देंगे क्या, इस लाइन के नीचे का एरिया, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया वो आ जाएगा अपना। तो देखो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले को रफ कर देता हूँ, आप यहाँ तक आपको समझ में तो आया ना, आपको यहाँ तक। ठीक है, तो आप देखो अब इसको नेमिंग दे देते हैं, ओ ए, अब इसको देखो हम इसको बी बोल देंगे, ठीक है, ये सी, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी ओ इज इक्वल टू वर्टिकल स्ट्रिप पे तो वाई डी एक्स, ठीक है, और y किससे आएगा सर्कल से, तो y c हो जाएगा, फिर माइनस में y l लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है ना, यहाँ पे y dx। अब देखो यहाँ से चले हम यहाँ तक, तो जीरो से चले हम टू तक, तो ज़ीरो टू टू, ठीक है, लाइन में भी हम यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, ज़ीरो टू टू। अब ये इक्वेशन नंबर वन हो गई। अब देखो वो वन टू है तो ये थ्री हो जाएगी, इक्वेशन नंबर थ्री हो जाएगी, क्योंकि वन और टू तो उसको दिया था हमने, तो ये थ्री हो जाएगी। सिंस हमें गिवन है क्या एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, फोर माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब वो एक दो लाइन और लिखते ना आपकी, वाई पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा तो ये पॉजिटिव हो गई, ठीक है, एंड x प्लस वाई इक्वल टू कितना है अपने पास, टू है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू माइनस में x। सो फ्रॉम इक्वेशन वन, अब इक्वेशन वन से देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी ओ इज इक्वल टू ज़ीरो टू टू, इसकी जगह लिखेंगे हम अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस ज़ीरो टू टू, यहाँ पे लिखेंगे हम टू माइनस एक्स, और ये डी एक्स। अब इसको सोल्व करना हमें, एल एच एस में वो चलेगा, आर एच एस में देखो क्या हो जाएगा, ये
फॉर्मूला ये हो जाएगा x बाई टू, ठीक है, अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में फोर बाई टू साइन वर्स एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा क्या, ज़ीरो टू टू, फिर माइनस में टू एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बाई टू, और ज़ीरो टू टू। अब लिमिट्स रख देंगे, ये क्या हो जाएगा, एल एच एस में वो चलेगा। अब देखो अपर लिमिट रखते हैं तो टू बाई टू अंडर रूट फोर माइनस फोर, प्लस में फोर बाई टू टू हो जाएगा, तो साइन इनवर्स टू बाई टू, फिर माइनस ज़ीरो पॉइंट टू अंडर रूट फोर माइनस ज़ीरो, प्लस में टू साइन इनवर्स ज़ीरो बाई टू, फिर माइनस टू इंटू टू फोर, माइनस में टू का स्क्वायर फोर बाई टू, तो फोर बाई टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ये तो अपर लिमिट हो गई माइनस में ज़ीरो प्लस में ज़ीरो, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो एल एस एस वो चलेगा, आर एस एस में देखो ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस में टू इंटू में ये पाई बाई टू होगा, फिर माइनस में ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर माइनस में फोर माइनस टू टू हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया पाई पाई माइनस में टू, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, बी वाला ऑप्शन है इसमें। तो हेंस करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो सही है क्या बताओ, ये सही है।